हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी का सॉल्व सॉल्यूशन। वो केवीएस एनवीएस डीएसएसबी या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी हो, उसका जो सॉल्व सॉल्यूशन दे रहे थे 2008 से लेकर 2017 तक का जो पेपर सॉल्व करा रहे थे, ये उसकी नेक्स्ट कड़ी है। तो आज हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप देख रहे होंगे जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इनमें से कई ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इससे ही इसकी महत्वपूर्ण क्षमता का आकलन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड इन द मैन इज मनुष्य के आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 10। देखिए, किसी बुक में 9 दिया है, किसी में 10 दिया है, नेट पर 9 दिया हुआ है। जो इंटरनेट की बात करें तो वहाँ 9 है, कहीं ये 10 है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो ये आवश्यक अमीनो एसिड की जो संख्या, चूँकि 10 ऑप्शन है तो 10 है। जो हैं कौन कौन, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फिनाइलो एलेनिन है और थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफन है और वैलिन है। ये कुल मिलाकर 10 अमीनो एसिड हैं जो इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेशियन सिस्टम इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ। हार्वेशियन सिस्टम किसकी बोन्स में पाया जाता है, तो ये मैमल्स की बोन्स में पाया जाता है। देखिए, इससे पहले भी जब हमने आपको बताया था तो हार्वेशियन बोन की बात करता है, यहाँ भी हार्वेशियन बोन, तो ये मैमल्स की बोन्स में पाई जाती हैं। चलो देख भी लेते हैं इनको। ये देख लीजिएगा, हार्वेशियन बोन्स है, ये बीच में जो खाली पाइप नुमा संरचना है, हार्वेशियन कैनाल के नाम जानते हैं। ये ऊसाइट है, ये पूरी ऑस्टिन है और ये कैनालिकुली है, ये कैनालिकुली है। तो आप देख लीजिएगा, ये है हार्वेशियन कैनाल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है कि हार्वेशियन जो कैनाल है, हार्वेशियन कैनाल नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश फिजिशियन क्लोप्टॉन हेवर्स आर ए सीरीज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स इन द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द बोन कॉल द कॉर्टिकल बोन दैट अलाउ द ब्लड वेसल्स एनफ टू द ट्रेवल थ्रू देम। ईच हार्वेशियन कैनाल जनरली कंटेन्स वन आर टू कैपलरीज एंड नर्व फाइबर्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का सम्मेलन होता है, तो 1.34 ml पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट है, द हार्मोन विद द स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज, हृदय स्पंदन को उत्तेजित करने वाले जो हार्मोन है एड्रेनलिन। देखिए, जो भय और उत्तेजित अवस्था में दो हार्मोन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, तो ये एड्रेनलिन है जो हृदय स्पंदन की तेज करता है। जब हम घबराहट होती है या हम पर कोई आक्रमण करता है तो क्या होता, तेज तेज दिल धड़कता है, तो उसको कौन उत्तेजित करता है, तो वो एड्रेनलिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है, किडनी स्टोन आर क्रिस्टल्स, जो किडनी स्टोन क्रिस्टल्स ऑफ, तो ये पत्थरी जो गुर्दे की पत्थरी किसका क्रिस्टल होती है, तो देख लेते हैं किसका होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। कैसा होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है, इसकी क्या होता है, जो किडनी होती है उसमें जो पत्थरी होती है या स्टोन होता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। देखिएगा, ये हम आपको पिक्चर भी दिखा रहे हैं, अगर आप इधर नज़र डालेंगे, थोड़ा सा और इधर नज़र डाल लीजिएगा। ये देखिएगा, जो क्रिस्टल्स मेक स्टोन्स एंड दियर नेम्स सिग्निफाई द किडनी स्टोन टाइप्स, हियर आर द नेम ऑफ द क्रिस्टल दैट मेक द स्टोन। देखिए, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, एक कैल्शियम फास्फेट की भी बनी होती है, यूरिक एसिड के भी किडनी में क्रिस्टल होते हैं, सिस्टीन के भी क्रिस्टल होते हैं, स्टूराइड के भी क्रिस्टल होते हैं, तो ये क्रिस्टल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं किसके, किसके बताया अभी हमने, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल सबसे ज़्यादा संभावना होती है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं, फिर
जो कैल्शियम फास्फेट के भी क्रिस्टल होते हैं उनकी मात्रा कम होती है, और जो सिस्टीन के जो क्रिस्टल होते हैं वो सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जो स्टुराइट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ों से क्रिस्टल बनते हैं, चूँकि यहाँ कैल्शियम ऑक्सलेट नॉर्मली दिया हुआ है तो इसलिए सही है। ये हमने आप कहेंगे सर ये हमें दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मान लो कैल्शियम ऑक्सलेट वहाँ आंसर ना हो और आपको कैल्शियम ऑक्सलेट मालूम हो और वहाँ ऑप्शन ना हो इनमें से कोई एक दिया हो तो आप कहेंगे कि सर ने क्वेश्चन गलत बताया या हम क्या टिक लगाएं। तो ये नाम भी आप देख लीजिए, इसलिए हमने इसको मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ द क्रैनियल नर्व्स इन द फ्रॉग। तो क्रैनियल नर्व्स की संख्या जो फ्रॉग में होती है वो 10 होती है। कितनी फ्रॉग में संख्या होती है, तो उनकी संख्या है 10। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज, तो उसमें अमोनिया और यूरिया दोनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एक जो काइटनस एक्सोस्केलेटन अकरिंग, तो ये कीटों में देखने को मिलता है। देखिए जितने भी कीट होते हैं, अब गुबरेला सबसे अच्छा एग्जांपल है, गुबरेला के बाहर का जो कवच होता है देखिए कितना कठोर होता है, भौरे के बाहर का जो कवच होता है वो कठोर होता है। तो कीटों का जो बाह्य आवरण होता है ये कैसा होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और काइटिन है क्या, एक काइटिन एक पॉलीसैकेराइड्स है। क्या है, काइटिन एक पॉलीसैकेराइड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग ऑफ द काकरोच इज, तो काकरोच का जो एग होता है वो सेंट्रोलिसाइथल होता है। ये हमारा जो एग का चैप्टर है जो हमने आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई है उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ द बोन्स इन द राइट आर्म ऑफ द मैन इज, तो वो टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स होते हैं राइट आर्म्स में वो 30 है। कितनी संख्या होती है आप बताएंगे, तो वो संख्या होती है 30। प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग यानी अपर आर्म में एक लंबी अस्थि जिसे ह्यूमरस बोलते हैं, तथा नीचे के भाग लोअर आर्म्स दो लंबी अस्थियां रेडियस तथा अलना होती है। हाथ तथा पंजों के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। इसके आगे प्रत्येक पंजे में 5 लंबी अस्थियां मेटा कार्पल्स होती हैं। पंजे के बाद 4 उंगलियों में प्रत्येक में से 3-3 अंगुलिस्थि या अंगूठे में 2 अंगुलिस्थियां होती हैं। इस प्रकार दोनों अग्रपादों में कुल 60 अस्थियां होती हैं, अतः दाहिने हाथ में 30 हड्डियां या बोन्स पाई जाती हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स नॉट पॉइजनस, इसमें कौन सा स्नैक्स है जो नॉन पॉइजनस है, तो पाइथन है। पाइथन कैसे, जिसे अजगर के नाम से जानते हैं। अजगर जो होता है या पाइथन होता है इसमें जहर नहीं होता, ये अपने शिकार को करता क्या कि अपने शिकार की चारों कुंडली बनाता है और शिकार को जोर से कस देता है, जिससे शिकार का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है और शिकार की मृत्यु हो जाती है, जिसे ये आराम से शिकार को लेता है। तो ये पाइथन है जिसे अजगर के नाम से जानते हैं, ये एक विषहीन सर्प के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, तो टीनिया जो सोलियम है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, अतः ये होस्ट से पचा भोजन प्राप्त करते हैं सतह, अपने सतह से विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ, वो कौन सा इनमें से जीव है जिसमें के जो प्लाज्मा होता है उसमें हीमोग्लोबिन डिजॉल्व रहती है, तो अर्थवर्म में कैसा है जिसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिजॉल्व रहती है। एक और बता दें, हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इसका रुधिर लाल होता है, प्लाज्मा में वर्णहीन कणिकाएँ होती हैं, ये रुधिर के श्वेत रक्ताणुओं के समान होती हैं। नेक्स्ट है,
ए मेन प्लांट इन द गैमेटोफाइट इज, तो इनमें देखिए जो टेरिडोफाइट है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में अंतर क्या होता है, जो पौधों की जो प्रत्येक सेल जब डिप्लॉयड होती तो वो स्पोरोफाइट कहलाते हैं, और जब उनकी सेल्स हैप्लॉयड होती हैं यानी यन होती हैं तो वो गैमेटोफाइट कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइट हैप्लॉयड होता है अर्थात इसका गैमेटोफाइट होता है, जब फर्टिलाइज हो जाता है तो इसमें स्पोरोफाइटिस्ट है, तो ये ब्रायोफाइट सही होगा। आरक्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विल बी, तो आरक्यू जो कार्बोहाइड्रेट का है वो एक होगा, आरक्यू एक होगा। हमारा एक आप रिस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर नोट्स आप देखेंगे हमारे वीडियो में उसमें जाइएगा, जब आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो डॉक्टर नोट्स का जो सिंबल आता है क्लिक करेंगे हमारे सारे वीडियो खुल जाएंगे, उसके प्ले लिस्ट में देखिएगा। रेस्पिरेशन एक चैप्टर पढ़ा है उसमें आरक्यू का स्पेशल पढ़ा, सब जितने भी प्लांट हैं सब का आरक्यू दिया हुआ, तो याद कर लीजिएगा, इससे एक नया क्वेश्चन अवश्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द लोब इन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स ऑफ द रैबिट आर, खरगोश के दाएं व बाएं फेफड़े में पिंड की संख्या होती है। तो देखिए जो इसका दाया होता है उसमें चार होते हैं और बाएं में इनकी संख्या दो होती है, देख लीजिएगा यहाँ एक दो तीन चार और इस साइड कितने हैं दो, तो एक तरफ चार होते हैं एक तरफ दो है, तो ऑप्शन यही सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों एक्चुअली में है क्या कि इस समय यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ी थकान भी है और टाइम नहीं प्रॉपर मिल पा रहा, इसीलिए आपको बहुत बेहतर या नोट्स संबंधी वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। सोच रहे थे कि आपको जिम्नोस्पर्म के नोट्स दें मगर टाइम ही नहीं निकल पा रहा है कि मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊं, इतनी थकान हो जाती कि मन नहीं करता। चूंकि ये रेगुलर में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसकी चेन ना टूटे तो ना चाहते हुए भी मेहनत करनी पड़ रही है, चूंकि थकान काफ़ी होती है एग्ज़ाम की वजह से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।